चलिए ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट। इसको हम बोल सकते हैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है प्लस टू फिजिक्स का, उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये नाम जो है ये यूनिट को दिया गया है, ये कुछ बुक्स में यूनिट वाइज दिया होता है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग है। तो दिस इज यूनिट नंबर 3, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है ये। तो एनसीईआरटी के दो चैप्टर्स में हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो पूरा टॉपिक है वो कवर होता है। तो हम जो टॉपिक्स करेंगे वो हम अभी फोर्थ नंबर चैप्टर में से करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ से आई, किस तरह से एग्जिस्टेंस में आई, और मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉज है वो हमने बेसिकली स्टडी करना है कि वो क्या है। 1820 में ऑर्स्टेड वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स। डच फिजिस्ट था ऑर्स्टेड, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने देखा कि वेन एवर देयर इज करंट कैरिंग कंडक्टर, देन अराउंड दैट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड, अराउंड दैट कंडक्टर द स्पेस इज मॉडिफाइड, एंड इफ वी प्लेस सम मैग्नेटिक कंपस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर तो उस कंपस में जो है डिफ्लेक्शन होती है। तो किस तरह से, अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट अस सपोज ये ए बी एक वायर है, इस ए बी वायर को हमने बैटरी लगा दी लाइक दिस, यहां पर एक की लगी हुई है, एक एम्पेयर मीटर भी है हमारे पास करंट को मेजर करने के लिए। तो ये सारा जो सेटअप है, इस सेटअप के अराउंड अगर हम मैग्नेटिक कंपस रख देते हैं, मैग्नेटिक कंपस के दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, इस तरह से कंपस जो होती है उसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो इस वायर में जब हम की को क्लोज करते हैं, देयर इज करंट इन दिस वायर इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे करंट यहां पर सेटअप होता था, इस मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन होती थी। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे करंट के साथ, ओम्स लॉ जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट वेरीफाई कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि भाई करंट के आने से मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर सेटअप होती है और मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन होती है। फिर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, इस एक ऑब्जर्वेशन को देख के उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने देखा कि इस मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेटिक कंपस को इस वायर से दूर लेके चले चल जाते रहे, है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक कंपस एंड करंट कैरिंग वायर, उसको चेंज किया। तो डिस्टेंस को चेंज करके देखा कि भाई इस कंपस में डिफ्लेक्शन चेंज हो रही है, एंड दैट डिफ्लेक्शन वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी कि भाई जो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस मैग्नेटिक कंपस जो है, मतलब कि इसका नॉर्थ पोल अगर इस तरफ घूम रहा है और साउथ इधर घूम रहा है, और ये जो डिफ्लेक्शन की सेंस है ये डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन पर। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन वॉज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन गेट रिवर्स्ड ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की पोलैरिटी चेंज करने का मतलब है रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है जी, तो दिस वाज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज कि भाई जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन कितनी ज्यादा होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मींस अगर बैटरी की वोल्टेज को इंक्रीज करते रहें तो सर्किट में करंट इंक्रीज होगा, तो करंट के बढ़ने से जो डिफ्लेक्शन थी उसमें चेंज आ रहा था। मींस
कि यहाँ पर जो भी इसमें फोर्स लग रही है, इस कंपास पे बेसिकली एक फोर्स लग रही है, वो जो फोर्स लग रही है दैट डिपेंड्स अपॉन करंट, क्योंकि करंट को चेंज करने से डिफ्लेक्शन चेंज हो रही थी। दिस वाज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, जिन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर फिर लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए और ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली उस टाइम इसका नाम मैग्नेटिक फील्ड था, उस टाइम कुछ नहीं पता था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इट वॉज जस्ट ए न्यू टू ऑल द साइंटिफिक कम्युनिटी, बट इतना पता था उससे पहले हमारे पास परमानेंट मैग्नेट्स होते थे। तो परमानेंट मैग्नेट्स में क्या होता है कि उसके अराउंड जब हम छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स रखते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, ये चीज़ें पता थी। अगर हम एक और मैग्नेट उसके पास रखते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ें पता थी। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में उस टाइम पता था, लेकिन अभी ये जो डिफ्लेक्शन मैग्नेट से होती थी, इस केस में क्या हुआ था, एक नई चीज़ ऑब्जर्व हुई थी कि ये वो मैग्नेट से एक दूसरे पे फोर्स लगाते थे, यहाँ पर दूसरा मैग्नेट नहीं था कोई भी, यहाँ पर उस मैग्नेट की जगह हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था। तो वी हैड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये चीज जो थी उस टाइम पर नई सामने हमारे सामने आई थी, ठीक है, 1820 में। उसके बाद फिर लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करी कि जिस तरह से हमारे पास कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है, कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है। तो ये भी कूलम ने एक्सपेरिमेंट्स करके लॉ बनाया था, एंड दिस वॉज कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जिस तरह से हमारे पास कूलम फोर्स का फॉर्मूला था, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाने की लोगों ने कोशिश करी। तो उस टाइम पे किस तरह से फॉर्मूला बनाया जाता था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी उन ऑब्जर्वेशंस को प्लॉट करके, ग्राफ्स बना के, एक्सपेरिमेंट्स करके जो था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया गया। तो दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड बायर्ट-सावर्ट्स लॉ। दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड बायर्ट। ये भी दो बंदे थे, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स करके मैग्नेटिक फील्ड के लिए लॉ बनाया। जैसे हमारे पास कूलम्स लॉ है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के केस में वी हैड बायर्ट-सावर्ट्स लॉ। ये भी 1820 में ही लॉ जो था बना दिया गया था, ठीक है। तो ये लॉ क्या देता है, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एट ए पॉइंट नियर ए करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट एलिमेंट के पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए यह फॉर्मूला बनाया गया। नाउ व्हाट इज करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट मींस ए वेरी स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अगर कंडक्टर का जो साइज है बहुत छोटा हो उसको करंट एलिमेंट बोला जाता है। तो बायर्ट-सावर्ट लॉ को अभी स्टडी करेंगे, किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, वो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ऐसा नहीं है कि भाई ये लॉ कहीं थ्योरी से कहीं से निकल के आया है, कोई इक्वेशंस ड्राइव करी वहां से आया, ऐसा नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, उन एक्सपेरिमेंट्स में से ऑब्जर्वेशन ली गई, फिर कुछ ग्राफ्स प्लॉट किए गए, उन ग्राफ्स की हेल्प से ये लॉ हमारे सामने आया। तो लेट अस स्टडी दिस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर में हाफ ऑफ द चैप्टर इज बेस्ड ऑन बायर्ट-सावर्ट्स लॉ, इसको यूज करके हम कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूशंस की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। जैसे हमने लास्ट केस में कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट चार्ज, डाइपोल, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली थी वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की, तो आज और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूशंस की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायर्ट-सावर्ट्स लॉ। चलिए तो देखते हैं क्या है ये लॉ। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक वायर है, इस वायर में से आई करंट फ्लो कर रहा है और हमने कहीं पर इसका स्मॉल पोर्शन, ये स्मॉल पोर्शन पिंक कलर में ले लेते हैं, इधर करंट की वैल्यू बनाते हैं, ये स्मॉल लेंथ ले ली मैंने डीएल वेक्टर, ठीक है, ये डीएल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, करंट की डायरेक्शन नहीं होती, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है।
तो यहां पर हमने एक डीएल वेक्टर कंसीडर कर लिया. नाउ कंसीडर एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट हेयर, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी. इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है करंट एलिमेंट से, उसको हम ले लेंगे आर वेक्टर. तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट. चलिए, तो एक ये डायरेक्शन होगी हमारे पास, एक डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी. दीज आर टू वेक्टर क्वांटिटीज. इन दोनों डायरेक्शन में हमारे पास लेट अस सपोज एक एंगल है थीटा एंगल. ठीक है, एंगल भी इंपॉर्टेंट है यहां पर. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं. तो जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंट्स करके जो रिजल्ट्स आए, वहां से पता चला कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पर, उसको हम लिखेंगे डी बी वेक्टर. ठीक है, अभी डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, इसलिए मैं यहां पर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं. तो अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी नियर ए करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज्यादा करंट होता था वायर में, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती थी. यहां पर मैग्नेटिक कंपास रख के डिफ्लेक्शंस को नोट करके ये वाली रिलेशन फाइंड करी गई. उसके बाद सेकंड पॉइंट, अगर हम यहां पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ा देते थे, तब उस केस में दूसरी ऑब्जर्वेशन, इसी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट. डीएल की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तीसरा पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा. ये जो हमने एंगल थीटा कंसीडर किया है, एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन आईडीएल वेक्टर. ऐसे कंप्लीटली लिखेंगे, इस आईडीएल वेक्टर को करंट एलिमेंट बोलते हैं. आईडीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, तो उस दोनों में, इन दोनों वेक्टर्स में जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, एंड एट लास्ट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट. तो ये चार फैक्टर्स थे जिन पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है. इन चारों को कंबाइन करके वी कैन राइट डीबी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इसको सिंपली आप डीबी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, चाहे वेक्टर लगा के मैग्नीट्यूड लिखो चाहे ऐसे लिखो. दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बायट-सेवर्ट लॉ. अब यहां पर जो के है वो वैसा ही कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में भी किया था. तो दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहे हो, उस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, है ना. मान लो आपने ये करंट जो है एम्पेयर की जगह मिली एम्पेयर में लिया हुआ है, लेंथ आपने सेंटीमीटर्स में ली हुई है, थीटा तो चलो रेडियंस में ही लेंगे, उस हिसाब से के की वैल्यू डिफरेंट आएगी. अगर आप ये सारे पैरामीटर ऐसे ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ले लोगे तो उस हिसाब से के की वैल्यू डिफरेंट आएगी. तो के जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, एंड दिस के इज इक्वल टू, अगर हम इस के की वैल्यू की बात करें तो वैक्यूम में हम लिखेंगे इसकी वैल्यू. वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है बच्चे 10^-7 वीबर. ये इसके यूनिट्स हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं कहां से आए, पर एम्पेयर पर मीटर. तो ये के की वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है ये के की. लेकिन यहां पर हम जब इसको पुट करते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जनरली इसको हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π. अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहें ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, तो फॉर ऐसे सिस्टम ये भी लिखना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है. तो ऐसे सिस्टम के लिए के की वैल्यू इज गिवन बाय दिस फैक्टर, एंड दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाय 4π, एंड वेयर म्यू नॉट इज, यहां लिख देते हैं. तो यहां पर अगर म्यू नॉट लिखना चाहते हो आप, तो म्यू नॉट का फॉर्मूला बनेगा 4π×10^-7 वीबर पर एम्पेयर पर मीटर. ठीक है, तो ये म्यू नॉट है. म्यू नॉट इज कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस. ये सेम वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास एप्सिलॉन नॉट था. एप्सिलॉन नॉट एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें बताता है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके सेंसिटिव है.
किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा सेटअप हो जाएगी, कितना उस पर इफेक्ट डालेगी। म्यू नॉट ऐसा ही एक पैरामीटर है फ्री स्पेस का, जो हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है कि कोई मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को लेके कितना सेंसिटिव है, मींस वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है। अगर हम वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम ले लें तो उसका म्यू बड़ा होता है हमेशा, जैसे एप्सिलॉन नॉट की जगह हमारे पास किसी दूसरे मीडियम के लिए एप्सिलॉन होता है ना, तो ऐसे ही वैक्यूम की जगह अगर कोई और मीडियम लेंगे उसकी परमेबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, और जो म्यू होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू नॉट किसी दूसरे मीडियम के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर म्यू नॉट है। ओके, तो ये सारा कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके जो फॉर्मूला है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अभी ध्यान में रखेंगे इस बात को कि ये मैग्नीट्यूड है, अभी डायरेक्शन की नहीं बात करी, डायरेक्शन की बात भी करते हैं अभी कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए डायरेक्शन पे जाने से पहले हम म्यू नॉट के यूनिट्स के बारे में पहले बात करेंगे कि म्यू नॉट के यूनिट्स कैसे आए हैं। देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, यूनिट ऑफ डीबी। ठीक है, दिस इज टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया को अगर मैं पहले लिखूं तो ऐसे हम स्मॉल लिख लेते हैं ताकि आपको यूनिट्स के बारे में पता चल जाए। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट टेस्ला, एरिया का मीटर स्क्वेयर, और फाई जो है इसी टेस्ला मीटर स्क्वेयर को वीबर बोल दिया जाता है, दिस इज इक्वल टू वीबर। ठीक है, तो ये चीज हमारे सामने है, मींस अगर हम टेस्ला को लिखना चाहते हैं दैट इज वीबर पर मीटर स्क्वेयर। तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों टेस्ला भी हो सकता है, वीबर पर मीटर स्क्वेयर भी उसी का यूनिट है। ठीक है, अब यहां पर देखें कि हम यूनिट का यूनिट कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, डीबी, डीबी का यूनिट मैंने लिख दिया वीबर पर मीटर स्क्वेयर इस साइड पे। ठीक है, म्यूनिट का मुझे फाइंड करना है, म्यूनिट मैंने ऐसे लिख दिया, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होता, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, ये करंट का यूनिट एम्पेयर आ गया, डीएल, डीएल का होता है मीटर, और ये जो है आर स्क्वेयर मतलब मीटर स्क्वेयर, तो ये 1 मीटर स्क्वेयर इस मीटर स्क्वेयर से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब म्यूनोट के यूनिट देखो, म्यूनोट के यूनिट यहां से आ जाएंगे वीबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये ऐसे यूनिट जो है म्यूनोट का, इसको ध्यान में रखेंगे, इस फैक्टर का ऐसे यूनिट है। टेस्ला में भी लिख सकते थे इसको, अगर इसी यूनिट को टेस्ला में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। देखो फिर से मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं बायट सावर्ट लॉ का, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको टेस्ला में लिख रहे हैं, ये टेस्ला हो गया ऐसे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आपने लिखना है, आई का हो गया एम्पेयर, डीएल का हो गया मीटर, और आर स्क्वेयर का हो गया मीटर स्क्वेयर। यहां पर साइन थीटा डायमेंशनलेस, तो डायमेंशन लेस नंबर है ना, साइन थीटा की वैल्यू, थीटा इज नॉट डायमेंशन लेस, थीटा थीटा जो है उसका यूनिट रेडियन होता है, यूनिटलेस नहीं है, लेकिन साइन थीटा यूनिटलेस है। तो यहां पर ये कट गए और म्यू नॉट आ गया टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, चाहे ये यूनिट लिख दो आप। ठीक है, तो ये यूनिट्स ध्यान में रखना, दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ म्यू नॉट, ये 1 मार्क में पूछा जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इज म्यू नॉट, लेट अस डिफाइन, दिस इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, इट गिव्स द सेंसिटिविटी ऑफ ए मीडियम। फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, अगर हमने किसी मीडियम में लिखना बायोट सावर्ट लॉ, इन ए मीडियम, वैक्यूम की जगह अगर हमारे पास कोई और मीडियम है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा, बाकी सब सेम,
यहां पर जो म्यू है दिस इज परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, कुछ भी, इसके पैर में एम लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर हम फिर से इन दोनों की रेशो कर लें, अगर हम देखें डी बी मीडियम अपॉन डी बी वैक्यूम, ठीक है, इसको डी बी वैक्यूम कर देते हैं, तो अगर ये रेशो देखें तो बाकी सारे फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे और यहां पे आ जाएगा म्यू बाय म्यू नॉट, है ना, म्यू बाय म्यू नॉट का फैक्टर आएगा। ये जो म्यू बाय म्यू नॉट का फैक्टर है दिस इज कॉल्ड म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, दिस इज म्यू आर। चलिए तो हम इसका मतलब है म्यू को लिख सकते हैं म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे हम, म्यू को किसी भी मीडियम की जो परमेबिलिटी है उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जनरली आपको ना म्यू आर गिवन होता है, जब हमें किसी मीडियम के बारे में बोला जाए कि भाई इस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उसका म्यू नहीं गिवन होता, क्योंकि म्यू का जो फैक्टर है उसमें डेसिमल प्लेसेस आती हैं, 10^-7 आता है, लेकिन जो म्यू आर है दैट इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, तो म्यू आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन के लिए ये जो म्यू आर होता है इट इज अराउंड 100 या मोर देन दैट, ठीक है। 100 टाइम्स मीन्स आयरन की जो परमेबिलिटी है वो वैक्यूम की परमेबिलिटी का 100 टाइम्स है, इसका ये मतलब है, ठीक है। चलिए तो ये हमने रिलेटिव परमेबिलिटी की बात कर ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। तो बायट सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर था, ये करंट आई जो है हमारे पास चल रहा है, यहां हमने स्मॉल डीएल वेक्टर माना, एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, दिस इज योर आर वेक्टर, दिस इज एंगल थीटा, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन अभी हम बताने वाले हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो हम इस लॉ को ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर जो हमारे पास आई डी एल साइन थीटा का फैक्टर था उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, ऐसे लिखा, डीएल अलग कर दिया और साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस बी अगर लिखे तो दैट इज ए बी साइन थीटा, तो ये साइन थीटा का जो फैक्टर आ रहा है उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट में फिक्स कर दिया। और यहां पर अगर आप इसको वापस ओपन करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट को खोलोगे, तो ये जो डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप है, ध्यान से देखो, तो डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, डीएल का मैग्नीट्यूड आ गया, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, है ना, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और साइन थीटा साथ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस डीएल क्रॉस आर को हमने कैसे लिखा, ये डीएल साइन थीटा की जगह हमने डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप लिख दिया, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे कैसे लिख दिया, ये क्रॉस प्रोडक्ट ही है, कैसे पता चला, एक तो साइन थीटा से पता चला, दूसरा जो हम मैग्नेटिक कंपास रख रहे थे हर किसी जगह पर, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंट्स में डिफ्लेक्शन देखी गई ना मैग्नेटिक कंपास की, तो उस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन से पता चलेगा ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट वाज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ डीएल एंड आर वेक्टर, तो आई विल राइट डीबी वेक्टर वाज और इज अभी भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, ठीक है, जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर्स थे उसके परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर प्लेन में हमें डिफ्लेक्शन नजर आती थी। इसके लिए हम एक एम्पेयर ने लॉ भी दिया था, एम्पेयर स्विमिंग रूल दिया था, 10th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को देख के हमें पता चलता है कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ये कैसे हो गया, क्योंकि जो आर कैप होता है वो होता है यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड।
तो हमने r कैप को r वेक्टर बाय r पुट कर दिया, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, दिस इज ऑल्सो बायर-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और कैसे लिखा जा सकता है इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ध्यान से समझना, हमने क्या करना, अभी करंट को एरिया से डिवाइड करना है, ये किसका एरिया है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर का एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एरिया से ही मल्टीप्लाई करना है, ये मैं अलग अलग फॉर्म्स बता रहा हूं जस्ट आपको, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब करंट को एरिया से डिवाइड कर दिया तो वो बन गया करंट डेंसिटी, ठीक है, एरिया से डिवाइड करना है, डायरेक्शन हम यहां ले आएंगे, ऊपर हम हटा देंगे, मैं बताता हूं कैसे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यह बन गया करंट डेंसिटी, और एरिया इंटू डीएल दैट इज डीवी वॉल्यूम, है ना, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, तो वो डीवी बन गया क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब, और दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे क्रॉस आर, ऐसे, ये कंपटीशन में काम आएगा, लेकिन अभी करवा रहा हूं तो फॉर्मूला बता देता हूं। तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है जस्ट जे वेक्टर और आर वेक्टर का, और हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चल जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म है, हमें यहां तक लिखना आना चाहिए फॉर सीबीएसई एग्जाम्स। अभी ये लॉ लिखा हमने, अभी हम देखेंगे कि फिजिकली डायरेक्शन कैसे आ रही है, दिस इज बायर-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन, ठीक है, तो सम एग्जाम्पल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर, ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट कंडक्टर देख लेते हैं, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, स्मॉल एलिमेंट्री स्ट्रेट कंडक्टर, बहुत बड़े कंडक्टर का छोटा सा पार्ट, ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें, और दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, जो यहां से परपेंडिकुलर आर वेक्टर पर है, ऐसे परपेंडिकुलर है आई डी एल वैक्टर के, डीएल ऊपर ही जा रहा है हमारे पास, मैं डीएल भी ऊपर बना देता हूँ, ये पूरा डीएल ही है और आर वैक्टर उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। अब यहां पर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है इस पॉइंट पर, तो उसके लिए आप शॉर्टकट यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से भी पता चलेगा, लेकिन वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। हाँ जी, कैसे यूज किया जाता है ये रूल, इसमें क्या करते हैं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को ग्रेस्प करते हैं, जो थंब होता है उसको करंट के अलोंग रखते हैं ऐसे, और इसको ऐसे अपने राइट हैंड से होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इसको राइट हैंड से होल्ड करोगे तो जो आपकी फिंगर्स हैं वो इस तरह से घूमेंगी इसके अराउंड, जैसे मैंने अभी सर्कल बनाया, ऐसे आपकी फिंगर्स घूमेंगी, थंब को ऊपर रख के आप इसको ग्रेस्प करने की कोशिश करोगे तो इस तरह से फिंगर्स घूमेंगी। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो फिंगर्स हैं आपकी, दे आर गोइंग इनसाइड द स्क्रीन, ऐसे अंदर की तरफ, लाइक दिस, ठीक है, देखो यहां पर जो आपकी फिंगर्स हैं इनसाइड जाएंगी, हम क्रॉस लगा देंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फिंगर्स हैं वो स्क्रीन से बाहर आएंगी, हम डॉट लगा देंगे, डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर एंड आउट, क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलर एंड इनवर्ट। तो इस तरह से राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट कनेक्टर के अराउंड लगा सकते हैं। ये देखो, मान लो करंट इधर जा रहा है, तो आपने करंट के अलोंग थंब रखना है, स्क्रीन पे अभी करके देखो, करंट के अलोंग राइट हैंड का थंब रखो और इस कंडक्टर को ग्रेस्प करने की कोशिश करो, तो यहां से जो आपके फिंगर्स हैं वो बाहर की तरफ आएंगी स्क्रीन से, और यहां से जो फिंगर्स हैं वो स्क्रीन के अंदर जाएंगी, तो यहां पर इनवर्ट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे आउटवर्ड हो जाएगी। ये राइट साइड है, तो राइट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड डाउन होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरडी रूल से भी याद रख सकते हैं, राइट साइड पे डाउन और लेफ्ट साइड पे फिर अप हो जाएगी, इसका ऑपोजिट, ठीक है, तो राइट साइड पे डाउन तो लेफ्ट साइड पे अप, करंट ऊपर जाना चाहिए, उस हिसाब से आपने सोचना है। तो अभी मैंने स्ट्रेट कनेक्टर के बारे में बताया, अभी और एग्जांपल्स लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल स्ट्रेट कनेक्टर की ऐसी हो सकती है, ध्यान से समझना इसको, देखो मान लो करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज करंट, ठीक है, एरो नहीं लगाता, ऐसे यहां आई लिख देता हूं, मान लो जो करंट है दैट इज गोइंग इनवर्ड,
इनवर्ड करंट की एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूं, ठीक है, दिस इज आई, मतलब कि जो कंडक्टर है वो अभी स्क्रीन के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है और करंट स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ऐसे इमेजिन करना है इसको, एंड दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब आपने फिर से राइट हैंड थंब रूल लगाना है, अपना थंब करंट की तरफ रखना है, जब अपना थंब करंट की तरफ रखोगे तो यू विल सी जो आपकी फिंगर्स हैं वो इस तरह से क्लॉकवाइज घूमेंगे इसके अराउंड। तो जैसे आपकी फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, पॉइंट पी यहां है, यहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, ऐसे सर्कुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं मैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट करा वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस तरह से सर्कुलर होती है अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब आप हर किसी पॉइंट पर आप डायरेक्शन बता सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता लग गया ऐसे सर्कुलर है, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन बता सकते हो, मान लो यहां है पॉइंट पी तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, यहां है मान लो हमारा पॉइंट पी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यहां पर इधर जा रही है आपकी फिंगर्स, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे है, अगर पॉइंट पी यहां होता तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जैसे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के लिए करते थे सेम वैसे इधर। ये इनवर्ड करंट की एग्जांपल है, अलग अलग पॉइंट्स पे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो। आउटवर्ड करंट में कैसे होगा, मान लो ये करंट है, करंट अभी स्क्रीन से बाहर आ रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट स्क्रीन से बाहर आ रहा है, स्मॉल करंट करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो यहां पे पॉइंट पी है। अब आपने फिर से राइट हैंड थंब रोल लगाना है, अपना थंब जो है स्क्रीन से बाहर की तरफ रखो और थंब को स्क्रीन से बाहर की तरफ रख के जब फिंगर्स को घुमाओगे तो यू विल सी कि आपकी जो फिंगर्स हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं, लाइक दिस। ये सर्कल बनाने बड़े डिफिकल्ट है, तो आप देखेंगे कि जो आपकी फिंगर्स हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूम रही है। तो अगर फिंगर्स ऐसे घूम रही है तो मीन्स ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अभी इसके अराउंड। अब ये कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, किसी भी पॉइंट पर अगर डायरेक्शन बतानी है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन टेंजेंट लगा के पता चलेगी, यहां पे इधर होगी, यहां पे इधर होगी, इस पॉइंट पर इधर होगी, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ होगी। तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी पॉइंट पर बताई जाती है। यहां पर भी अगर पॉइंट यहां पर है तो इनवर्ड, यहां है तो आउटवर्ड, लेकिन अगर पॉइंट पीछे है यहां पर तो इधर बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, और अगर पॉइंट यहां आगे है फ्रंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस पॉइंट पर इस तरफ बनेगी। तो इस तरह से स्ट्रेट कंडक्टर के लिए या स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ये किसी भी जगह लग सकता है, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट कंडक्टर, वी कैन से दिस इज द स्मॉल करंट एलिमेंट। स्ट्रेट में भी वैसे ऐसे ही लगने रही रूल, ठीक है, बट अभी हम स्मॉल करंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये जो केसेस थे, ये केसेस थे जब हमारे पास जो पॉइंट पी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, यहां पे ना थीटा 90 लिया है मैंने। अब एक जनरल केस करते हैं, ध्यान से देखना, ये छोटा सा पार्ट है फिर से डीएल, करंट ऊपर है, बट नाउ पॉइंट पी इज हेयर, अब क्या करें, ठीक है। अब यहां से हमने मिड से बना लिया पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है जी, ये हमारा आर वेक्टर, ये हमारा डीएल वेक्टर। नाउ वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैंने ना आपको ए क्रॉस बी से बताना है, आईडीएल क्रॉस आर कैप से डायरेक्शन बताएंगे। तो राइट हैंड थंब रूल से अभी हम देखो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीवी वेक्टर के सामने हमारे पास ये वाला फैक्टर है, आई बी स्केलर है, तो एक्चुअली डीएल क्रॉस आर कैप से भी पता चलती है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप से पता चलती है। अब बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे करते हैं, अगर मान लो ये हमारे पास ए वेक्टर होता है और ये हमारे पास बी वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर ले जाते हैं हम, पी पॉइंट पर ले जाएंगे, दोनों वेक्टर हम एक ही पॉइंट पर ले जाते हैं और इन दोनों में एंगल थीटा है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम ए वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को अलाइन करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को, और बी की तरफ घुमाते हैं ऐसे, तो इस तरह से हम घुमाते हैं, और थंब जो होता है हमें वो हमें डायरेक्शन देता है ए क्रॉस बी की, ये भी राइट हैंड थंब रूल है। तो यहां पर क्रॉस, अगर मैं यहां पे बात करूं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आप करके देखो, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ए के अलोंग रखो और बी की तरफ घुमाओ,
ए से बी की तरफ जब घुमाओगे तो थंब आपका स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा, है ना, तो यहाँ पर इनवर्ड आ जाएगी डायरेक्शन। और ऐसे ही अगर मान लो आपने बी क्रॉस ए करना सेम डायग्राम में, ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर, ये थीटा, और मान लो आप बी से ए की तरफ जा रहे हो ऐसे ऊपर की तरफ, तो बी क्रॉस ए करोगे तो थंब बाहर आ रहा है स्क्रीन से, तो तब बाहर आ जाएगा डॉट। बट ये डॉट और ये क्रॉस ये हमेशा इस ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी स्क्रीन के ऊपर बने हुए हैं और क्रॉस स्क्रीन से परपेंडिकुलर है, डॉट भी स्क्रीन का परपेंडिकुलर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन होती है ना वो हमेशा दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, अभी इसको लगा के देखते हैं, ये हमारे पास थीटा एंगल है और हमें डायरेक्शन पता लगेगी डीएल क्रॉस आर कैप से, मीन्स आपने राइट हैंड की फिंगर्स को पी पॉइंट पर लेके जाना, पहले पी पॉइंट पर डीएल की डायरेक्शन बनानी है, ये डीएल की डायरेक्शन, P पॉइंट पर R की डायरेक्शन बनानी है, ये R की डायरेक्शन, तो ये वही एंगल थीटा। अब आप DL से R की तरफ फिंगर्स घुमा के देखो P पॉइंट पर, तो क्रॉस लग जाएगा इनवर्ड, सेम वैसे ही जैसे हमने दूसरे तरीके से फाइंड किया। एक और देखो एग्जांपल, मान लो करंट इधर जा रहा है एंड दिस इज योर पॉइंट P, ठीक है जी। ओके, अब मैं बताता हूं कैसे करना है। ये हमने मान लो यहां से ये पोजिशन वैक्टर है हमारा, ये ठीक है, दिस इज आर वेक्टर। ओके, अब हम यहां पर डीएल की डायरेक्शन पी पॉइंट पे बनाएंगे, तो जिधर करंट जा रहा होता है उधर डीएल होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर। पी पॉइंट पर बनाना है उसको करने से पहले, अगर ये वाला रूल लगाना है तो, और आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये आर वेक्टर की है, ये एंगल थीटा है। तो अब इस पी पॉइंट पर आपने राइट हैंड को यूज करना है, डीएल के अलोंग अपनी फिंगर्स को अलाइन करो और आर की तरफ घुमाओ, तो ऐसे घूमेंगी फिंगर, इधर से इधर जाएंगी, ठीक है, इधर से इधर जाएंगी, तो थंब किधर होगा, इनवर्ड थंब आपका इनवर्ड होगा, मींस यहां पर इनवर्ड है। तो सेम चीज है जो मैं राइट हैंड थंब रूल से वैसे निकालता हूं, अगर आप मान लो थंब अपना करंट के अलोंग रख लो, फिंगर्स को घुमा लो, तब भी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बननी है ऐसे गोल बननी है, अंदर की तरफ ही जाना है, तो जैसे मर्जी निकाल लो। एक और एग्जाम्पल इसी रूल से करके देखते हैं, ये देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो करंट हमारा आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज पॉइंट पी, ठीक है जी। अब जो डीएल वेक्टर है वो स्क्रीन से बाहर है, क्योंकि करंट स्क्रीन से बाहर आ रहा है इसलिए डीएल वेक्टर स्क्रीन से बाहर है, और जो आर वेक्टर है वो स्क्रीन के ऊपर है। अब आपने अपनी फिर से फिंगर्स को यूज करना है, स्क्रीन से बाहर की तरफ फिंगर्स को अलाइन करो और स्क्रीन की तरफ घुमाओ, जब आप ऐसे करेंगे तो आपका जो थंब है ऐसे ऊपर की तरफ आएगा थंब, ठीक है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कर लो, चाहे राइट हैंड थंब रूल जैसे मैंने भी बताया था कि थंब को करंट के अलोंग रखो, फिंगर्स को घुमाओ, तो आपकी फिंगर्स ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी इस केस में, ये देखो ऐसे घूम रही है, थंब को रखो करंट के अलोंग, फिंगर्स ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके अराउंड पूरी गोल, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट आ गया, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट आ गया, ये ज्यादा आसान है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे आ गया, पॉइंट बाद में देख लो, तो ये अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से पता चलती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमने अभी ये करनी है डेरिवेशन, हम अभी फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। वो जो स्ट्रेट कंडक्टर है पहले हम उसका फाइनाइट वाला केस करेंगे, उसकी कुछ फाइनाइट लेंथ होगी, फिर उसका स्पेशल केस हम उसको इनफाइनाइट बना देंगे, सेमी इनफाइनाइट बना देंगे और उसके एक्सिस पे फाइंड करेंगे, ये सारे स्पेशल केसेस है। तो लेट अस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम फाइनाइट कंडक्टर लेंगे, ठीक है, तो We will take a finite length conductor. चलो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। चलिए तो यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनाते हैं सबसे पहले, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसका नाम है ए बी, इसमें से करंट आई ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और जो पॉइंट पी है वो यहां पर है, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी,
ठीक है। अब पॉइंट पी पर इस स्ट्रेट कंडक्टर की हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जो इस बड़े कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड यहां बता दे। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए है, बायट सेवर्ट लॉ। तो बायट सेवर्ट लॉ के लिए हमें फिर यहां पर छोटी सी लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी, उसका नाम सी डी रख देते हैं। उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी डीएल वैक्टर, और यहां से हम पोजिशन वैक्टर बनाएंगे। तो ये डीएल वैक्टर उसकी डायरेक्शन है, और यहां से हमने पोजिशन वैक्टर बना दिया आर वैक्टर। पॉइंट पी का ऑब्जर्वेशन वेक्टर, पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम आर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा आर वेक्टर और ये एंगल थीटा, ठीक है जी। तो इस पॉइंट पर अभी जो हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे वो होगी डीबी वेक्टर। उस डीबी वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगी फुल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। लेट अस सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास वो ए है, ये डिस्टेंस ए ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको शो हो गया, जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है। इसको चलो फाइव मान लेते हैं, ठीक है, ये फाइव मान लेते हैं, हमारी हेल्प करेगा ये फाइव। तो अभी हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले लिखनी है ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट सी डी। तो अकॉर्डिंग टू बायट सेवर्ट लॉ the small magnetic field at p due to idl vector, ये हम सबसे पहले लिखेंगे, और वो है हमारे पास db। पहले मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा क्योंकि डायरेक्शन हमें पता है, वो राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी। तो आई विल राइट अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, म्यू नॉट अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर हमने क्या करना है, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, डीएल वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, आर वेरिएबल है। कैसे इंटीग्रेट करने का मतलब होता है, ये छोटे छोटे पार्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड ऐड करनी होती है ना। तो देखो अगर हम डीएल वेक्टर यहां मान लेते तो आर कुछ और होता, थीटा कुछ और होता, और डीएल कुछ और होता। डीएल तो वैसे ही स्मॉल लेंथ है, वो एक वेरिएबल ही है। तो हमें क्या करना होता है, इस एक्सप्रेशन में बाकी वेरिएबल्स को किसी सिंगल वेरिएबल में लेके जाना होता है। तो वो अभी हम लेके जाएंगे, हम फाई में लेके जाएंगे क्योंकि फाई भी वेरी कर रहा है। देखो अगर यहाँ ए पॉइंट पर होते हम, मान लो हमारा जो डीएल वैक्टर है वो थोड़ा नीचे ए पॉइंट पर ही मान लेते, इस एंड पे मान लेते, तो देखो उस हिसाब से फाई डिफरेंट होता, थोड़ा बड़ा होता। और अगर हम यहां मान लेते तो फिर फाई डिफरेंट होता। तो जब हम इंटीग्रेट भी करेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे तो फाइव वेरी करेगा, तो फाइव भी एक वेरिएबल है। पहले हम साइन थीटा को फाइव में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाना है, हम यहां पे सिंपली पुट कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन। नाउ व्हाट इज थीटा, थीटा इज 90 डिग्री माइनस फाइव बाय आर स्क्वायर। ये कैसे आया थीटा 90 डिग्री माइनस फाइव, बिकॉज थीटा प्लस फाइव प्लस 90 इज 180। तो थीटा प्लस फाइव इज 90, तो जो थीटा है दैट इज 90 माइनस फाइव। ये हमें पता ही है, एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम। चलो तो ये हो गया, इसको अभी लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल साइन 90 माइनस फाइव इज कॉस फाइव बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। इसमें भी तीन ही वेरिएबल है, अभी डीएल वेरिएबल है, फाइव वेरिएबल है, आर वेरिएबल है। अभी हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी है, ध्यान से देखो। मान लो ये जो हमने सी डी माना था ना, इसकी लेंथ अभी कंसिडर कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक, दिस इज पॉइंट पी, पी के सामने वाला एक पॉइंट है, वहां से लेके जो सी डी की लेंथ है, लेट अस सपोज दैट इज एल, ठीक है। तो अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड मुझे पता है, ये एल परपेंडिकुलर है फाइव के सामने और ये बेस है। तो एक तो हम यहां पर लिख सकते हैं tan phi। तो फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं हम, इसको हम O पॉइंट ले लेते हैं, ओ सी पी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी पी, ठीक है। tan phi, टेंजेंट phi इज लेंथ l बाई ए, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से हमारे पास l आ गया a tan phi। हमें क्या चाहिए एक्सप्रेशन में, dl। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसका मतलब है जो डीएल होगा वो होगा, ए तो कांस्टेंट है, टेन फाइव इज सीकेंट स्क्वेयर फाइव, उसका डेरिवेटिव ना, टेन फाइव का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर फाइव डी फाइव। एक ये मिल गया मुझे डीएल,
ठीक है, इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर थ्री में हम फिर इसी ट्रायंगल को यूज करेंगे, हम कॉस फाई को वैसे ही रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आर को फाइंड करेंगे। आर ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ये आर है। चलिए तो वी कैन राइट ए बाय आर, है ना, कॉस फाई लिख सकते हैं अगेन। दिस ए इज बेस, आर इज हाइपोटेन्यूज, तो ए बाय आर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस फाई। यहां से अगर मुझे r लिखना है तो दैट इज a बाय cos phi, और यू कैन राइट a secant phi। ये हमें r की वैल्यू भी मिल गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थ्री। अभी r आपको इन टर्म्स ऑफ phi मिल गया, dl अभी आपको इन टर्म्स ऑफ phi मिल गया, तो तीसरा वेरिएबल तो phi ही है, उसको चेंज नहीं करना। ये सारा कुछ यहाँ पे जब सब्सिट्यूट करोगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा विच इज phi। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर अभी db बन गया, लेट मी चेंज द कलर, फिर थोड़ा पता लगता है स्टेप्स का ना। तो नाउ वी कैन राइट इक्वेशन, देयरफॉर पुट डीएल एंड आर फ्रॉम टू एंड थ्री इन वन। तो ये टू है, ये थ्री है, ये वन है, ऊपर वाली ये वन है, इसमें पुट करना है। चलो तो db बन गया, यहां लिखता हूं db बन गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, तो ऐसे ही रहेगा, i भी ऐसे रहेगा, dl की जगह आ गया a secant स्क्वायर phi d phi। ओके, और cos phi भी है एक हमारे पास, वो वैसे ही रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में r स्क्वायर इज a स्क्वायर secant स्क्वायर phi। तो ये हमने आर स्क्वायर की वैल्यू भी यहां से उठा ली। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो सीकेंट स्क्वायर फाइव से सीकेंट स्क्वायर फाइव कैंसिल हो रहा है, ये एक सिंगल ए है, ए का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास। इसको थोड़ा सा और सुंदर बना के लिख लेते हैं, तो ये बन गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाए आई बाय ए। देखो आई भी है हमारे पास ऊपर, नीचे ए बचा, बाकी क्या है, बाकी सिंपली है कॉस फाइव डी फाइव, तो मीन्स जस्ट यही वेरिएबल बचा भी कॉस फाइव डी फाइव, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट है। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। अब इस एंड के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइव की वैल्यू डिफरेंट है, इस एंड के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर फाइव की वैल्यू डिफरेंट है, तो लेट अस मार्क दोज फाइव इन डायग्राम। देखो यहां से हम ना मान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है, तो यहां से फाइव आपने कंसिडर किया था नीचे एंगल, कलर ये ले लेते हैं। देखो तो यहां से लेके यहां तक ये फाइव वन एंगल मान लेते हैं, और फिर यहीं से ऊपर की तरफ फाइव टू एंगल मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इंटीग्रेट करोगे, या तो आप नीचे से ऊपर चलोगे या ऊपर से नीचे की तरफ इंटीग्रेट करोगे, अगर हम यहां से स्टार्ट हुए ऊपर की तरफ गए तो फाइव वन हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना पड़ेगा। फाइव एंगल वैसे हमने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया था डीएल यहां पर जो कंसिडर किया था, लेकिन ये हमें एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होंगी वो माइनस फाइव वन टू फाइव टू पुट करनी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये हम रिवर्स डायरेक्शन में बना रहे हैं एंगल, और फिर हम उसी के अलोंग क्लॉकवाइज बना रहे हैं, फाइव टू तो वैसे ही चल रहा है जैसे हम चल रहे हैं, तो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। चाहे आप माइनस फाइव टू टू फाइव वन कर दो तब भी रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लेनी है। तो लेट अस राइट इंटीग्रेटिंग अबव एक्सप्रेशन विद लिमिट्स माइनस फाइव वन टू फाइव टू, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा, बहुत आसान है, डीबी की इंटीग्रेशन मैंने बी लिख दिया, और इस तरफ हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो म्यू नॉट I अपॉन फोर पाई ए, ये सब कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, बाकी बचा माइनस फाइव वन टू फाइव टू कॉस फाइव डी फाइव। ओके, कॉस फाइव की इंटीग्रेशन होती है बच्चों साइन फाइव, तो म्यू नॉट I अपॉन फोर पाई ए इंटीग्रेशन हो गई साइन फाइव, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस फाइव वन टू फाइव टू। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं।
तो बी हमारे पास आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपर लिमिट साइन फाइ टू माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस फाइ वन. ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ये ऑड फंक्शन होता है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्लस साइन फाइ टू. तो दिस इज द रिजल्ट फॉर फाइनाइट स्टेट कंडक्टर जिसके जो एंगल्स हैं वो फाइ वन फाइ टू बन रहे हैं दोनों एंड्स पे. किसके लिए है ये रिजल्ट? ये स्टेट कंडक्टर है, यहां पर P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये हमारा परपेंडिकुलर है यहां से, ये A है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो एक तरफ हमारे पास एंगल फाइ वन है और दूसरे एंड पे एंगल हमारे पास फाइ टू है. जैसे मर्जी मान लो, इसमें प्लस ही रहेगा हमेशा, वो बड़े छोटे का कोई चक्कर नहीं है, दोनों ऐड ही होने हैं. तो अगर इस तरह की हमारे पास सिचुएशन है तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट कंडक्टर. अगर मान लो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ 30 60 पुट करो और सॉल्व करके यू विल गेट आंसर. ओके, अब हम इसका एक स्पेशल केस करेंगे. इफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, क्या होगा? इनफाइनाइट है तो ये वाला एंड मतलब इन्फिनिटी तक चला गया, ये वाला एंड भी इन्फिनिटी तक चला गया. तो ये जो P पॉइंट से हमने ये जो R बनाया था, ये अब कहाँ जाके मीट करेगा? ये भी इन्फिनिटी तक, अभी इस एंड पे मीट कर रहा था ना ये पोजीशन वेक्टर, अभी ये कहाँ मीट करेगा? अभी ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा उस एंड को, क्योंकि वो एंड तो इन्फिनिटी तक चला गया, तो ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा. तो फिर ये एंगल फाइ टू कितना हो जाएगा? ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. और ऐसे ही इस केस में भी दूसरी साइड पर भी ये कहाँ जाके मीट करेगा? इन्फिनिटी पर. तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा. तो इसमें फाइ वन इज इक्वल टू फाइ टू इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो जब यहां पुट करोगे साइन 90 प्लस साइन 90 टू आ गया, तो आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए. तो इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा. ये पहला स्पेशल केस. दूसरा, सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होगा? ये सेमी इनफाइनाइट कौन सा होता है? सेमी इनफाइनाइट मींस कंडक्टर है तो इनफाइनाइट, लेकिन जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो उसके एक एंड के सामने है. ये पी पॉइंट, करंट ऐसे ऊपर चल रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक गिवन एंड है उसके सामने है, दूसरा वाला एंड जो है वो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है. ठीक है, ओके. तो फिर फाइ वन फाइ टू की वैल्यूज के साथ क्या होगा? देखो, एक एंगल जो फाइ वन है वो तो ऐसे ऊपर चला जाएगा, 90 डिग्री ही बनेगा, है ना? एक एंगल तो दोनों में से 90 बनेगा, क्योंकि यहां पर जो पोजीशन वेक्टर यहां बना रहे थे आप इसको मैच करने के लिए, वो अब यहां मैच नहीं होगा. एंगल बड़ा होता गया, होता गया, होता गया, और मैक्सिमम 90 बन गया. तो एक साइड पर तो 90 आ गया, दूसरे साइड पर कहां बनेगा पोजीशन वेक्टर? इस एंड के साथ बना दो इसको. देखो मैं यहां बना के दिखाता हूं, इसी के ऊपर बन जाना है. तो फाइ टू कितना हुआ? जीरो. तो इसमें एक एंगल जीरो रहेगा, दूसरा एंगल 90 डिग्री रहेगा. तो बी ऑफ सेमी इन्फाइनाइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन जीरो. साइन जीरो इज जीरो, साइन 90 इज वन, तो वो वन आ गया. तो चलो लिखना लिखो, नहीं तो रहने दो. तो यही आंसर है उसके लिए. सेमी इन्फाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मतलब इसकी हाफ, इन्फाइनाइट की हाफ होगी मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो लास्ट केस है एक्सिस पे. ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, ध्यान से देखना. एक्सिस मतलब ये कंडक्टर है हमारा, आई करंट जा रहा है, यहां पर है पॉइंट. अब अगर पॉइंट यहां पर है तो दोनों एंगल जीरो हैं. अगर आप इस एंड को इस पॉइंट से मैच करोगे तो इसी के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, फाइव वन फाइव टू. फाइव वन मान लो वो जीरो होगा. इस एंड को इस पॉइंट से मैच करोगे, वो लाइन भी इसी एक्सिस पे ही आ जाएगी, दूसरा एंगल भी जीरो होगा. तो इस केस में फाइव वन इक्वल टू फाइव टू इक्वल टू जीरो डिग्री. जब ये दोनों जीरो होंगे तो साइन जीरो साइन जीरो जीरो. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर इज जीरो.
तो ये नेक्स्ट केस था, ठीक है। तो ये तीन केसेस जो हैं, एक इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट और एक्सिस वाला, और ये एक फॉर्मूला फाइनाइट के लिए जिस केस में आपको दोनों एंगल दिए जाए, ठीक है। एंगल दिए जाए तो आप कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी आप निकाल सकते हो। अगर मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो फाई वन फाई टू दोनों बराबर हो जाएंगे, वो भी लिख लेते हैं फॉर्मूला। ये सब न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं अब छोटे छोटे। मान लो ये हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, फाइनाइट है, लेकिन जो अभी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो उस केस में इधर वाला जो एंगल है वो अगर फाई है तो इधर वाला भी एंगल सेम होगा फाई, दोनों एंगल बराबर होंगे, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए इंटू टू साइन फाई, टू साइन फाई, तो टू से टू कटा तो आंसर इज म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए साइन फाई। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, और ये फॉर्मूला स्क्वेयर की एग्जांपल में हमारी हेल्प करेगा, बहुत आसानी से हम पता कर सकते हैं। अभी करते हैं स्क्वेयर वाला क्वेश्चन। तो ये है, अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आपको पता ही है, फटाफट बता देते हैं। मान लो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ पॉइंट पी है, तो यहाँ इनवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट ऊपर है, और यहाँ आउटवर्ड होगी मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट ऊपर है। तो राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, थंब करंट की तरफ रखो, फिंगर्स को घुमाओ तो ऐसे घूमेंगी फिंगर्स, इस पॉइंट से अंदर जाएंगी फिंगर्स, इस पॉइंट से बाहर आएंगी फिंगर्स, तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। एक एग्जांपल, ये स्क्वायर है हमारे पास, इस स्क्वायर में आई करंट पास कर रहा है ऐसे, तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और हमें यहां पर ये इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स जो होती है वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, ठीक है, इस पॉइंट पी पर। ये करंट की डायरेक्शन है, हाँ जी, तो यही फॉर्मूला लगेगा फाइनाइट वाला, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है ना, तो ये 45 डिग्री एंगल है यहां पे, ये भी 45 डिग्री है। डायरेक्शन देखें तो राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगी, इसकी इसकी देखो, इसकी भी इनवर्ड ही होगी। थंब देखो राइट साइड पे चला गया थंब आपका, फिंगर्स घुमा के देखो, यहां से फिंगर अंदर जा रही है, इधर देखो यहां से फिंगर अंदर जा रही है, इधर देखो तब भी थंब आप इस तरफ रखो, रख के देखो थंब और फिंगर्स घुमाओ, और फिंगर्स आपकी ऊपर वाले पॉइंट से स्क्रीन के अंदर जा रही है, मतलब चारों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, ऐसे बता दो, चाहे राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाओ, करंट के अलोंग फिंगर्स घुमाओ, ये जिधर करंट चल रहा है उधर फिंगर घुमाओ, थंब आपका अंदर आ गया, बात वही है, जैसे मर्जी लगा लो, तो इनवर्ड होगी चारों की मैग्नेटिक फील्ड। एक की फाइंड कर लो, चार से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां बी जो आएगा दैट विल बी फोर टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन कंडक्टर। तो एक की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये तुम्हारे सामने यहां लिखा हुआ है, तो ये है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए साइन फाई, साइन फाई इज साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, तो ये सॉल्व हो गया, यहां 2 आ गया और ऊपर इसको √2 × √2 लिख दो, एक √2 और काट दो, इसको इससे काट दो तो √2 आ गया, तो आंसर इज √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्क्वायर वेयर दिस इज ए, टोटल लेंथ कितनी है 2a, टोटल लेंथ मैंने 2a मानी है ये वाली। अगर आप टोटल लेंथ a होगी तो यहां a की जगह a/2 आएगा, वो आपको पता है, फॉर्मूला लगाते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें जो साइड्स दी गई हैं वो कैसे दी गई हैं। आज हमारा लेक्चर 6:40 पे स्टार्ट हुआ था क्योंकि कोणार्क लेट आया था। यहां तक समझ आ गया सबको, बोलो भाई क्लियर हो गया? yes, ये स्ट्रेट कंडक्टर की डेरिवेशन अच्छे से करनी है, 3 नंबर में आती है, 5 में भी आई हुई है इस केसेस के साथ, तो बहुत आसान है, जस्ट पहले शॉर्ट कंडक्टर के लिए लिखो, फिर ये कुछ मैनिपुलेशंस करके कुछ चेंजेस करके आ जाएगा। चलो अब ऐसे ही स्क्वायर की जगह अगर आपके पास रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन आ जाए, रेक्टेंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो उसमें जस्ट साइड्स का डिफरेंस होगा, उसका ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में आप लोगों ने ट्राई करना है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का कंडक्टर है, करंट आई ऐसे चल रहा है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये ए है, ठीक है, और इस केस में एंगल्स का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ये हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स हैं,
ठीक है, तो हमें करंट और ए बी की फॉर्म में ही आंसर फाइंड करना है, फाइव हुई नहीं इसमें लिखना, इसका ध्यान रखना, और एंगल्स डिफरेंट होंगे। तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं, अगर ये साइड बी है तो आप इस एंगल को, या जब आपने साइन फाई लिखना है, ये एंगल आपने निकालना है ना, तो आप साइन फाई लिखना चाहते हो, तो साइन फाई इज परपेंडिकुलर बाय हाइपरट्यूज, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर और हाइपरट्यूज आपको निकालने पड़ेंगे। साइन फाई निकलने के लिए ये फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा विच इज ए बाई टू, और हाइपोटन्यूज ये होगा। तो अगर ये ए है ये बी है तो ये टोटल साइड हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपने उसका हाफ यूज करना है यहाँ पे, ये वाली जो साइड होगी दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू। तो जहां पर भी आपको साइन फाई चाहिए होगा उसको आपने परपेंडिकुलर मीन्स ए बाई टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय टू, ये टू से टू कटेगा तो ये बनेगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन फाई की वैल्यू आपको चाहिए होगी हमेशा, इसका आपने ध्यान रखना। ये वाला फाई डिफरेंट होगा, ये वाला फाई डिफरेंट होगा, उसको फाई मान लो, इसको थीटा मान लो, वो डिफरेंट होगा, वो आपको पता चल ही रहा है इसके सामने बी है, तो साइन थीटा जहां आपको चाहिए होगा वो आ जाएगा इसी के अकॉर्डिंग बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों की आपको जरूरत पड़ेगी, टू टाइम्स इनकी ऐड होगी, टू टाइम्स इनकी ऐड होगी, तो एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी टू टाइम्स ए बी सी डी, टू टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बी प्लस टू टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए, ए बी ये है, ये ए डी है, ए डी, ठीक है, ऐसे आंसर आएगा। तो टू टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये हमारे पास ए की जगह डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस ए बी के लिए बोल रहा हूं ना, तो ये डिस्टेंस बी बाई टू, ध्यान से देखो कैसे पुट करना पैरामीटर्स को। तो फॉर्मूला पहले लिख दूं यहां पे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई, टू साइन फाई, ये है ना हमारा फॉर्मूला, क्योंकि यहां दोनों तरफ एंगल सेम ही है, तो साइन फाई प्लस साइन फाई टू साइन फाई, तो ये मैंने म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए लिख दिया, अब टू साइन फाई लिख रहा हूं मैं, तो 2 साइन फाई प्लस दूसरे के लिए फिर से 2 टाइम्स ये 2 आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, मैं एडी की बात कर रहा हूं, एडी ये है, तो ये साइड हमारे पास ए बाई टू होगी यहां से लेकर यहां तक की साइड, तो इसको हम लिख देंगे ए बाई टू, और फिर 2 साइन थीटा आएगा यहां पे, क्योंकि तो ये वाला एंगल थीटा, तो इसको आपने सॉल्व करना है, तो ये हो ही जाएगा सॉल्व, ये तो कट गए सब, ठीक है जी, ऐसे करके, और साइन फाई की जगह ये आएगा फैक्टर, साइन थीटा की जगह ये फैक्टर आएगा, कर ही देते हैं हम, तो ये टू ऊपर चला गया, टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई टाइम्स बी, साइन फाई की जगह आ गया जी हमारे पास ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई, ये वाला टू ऊपर चला गया पाई ए इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो जस्ट ये हमारे पास आंसर है, जो जो चीजें कॉमन है कॉमन वाली बाहर निकाल लो, ए बाय पाई बी, ए बाय बी प्लस बी बाय ए अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर आएगा, दिस इज आंसर। चलिए, तो इस तरह से डायरेक्शन बतानी है, हम साथ में से क्रॉस लगा देते हैं आंसर के साथ, क्रॉस लगाने का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इनवर्ड है, ठीक है, वो आपको कैसे पता चला इनवर्ट, देखो ये क्लोज्ड सर्कल्स होते हैं ना, जो क्लोज्ड जैसे ये स्क्वायर बन गया, सर्कल भी करेंगे हम, उस केस में राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाओ, अपनी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को ऐसे घुमाओ करंट के अलोंग, रोटेट अलोंग करंट, करंट के अलोंग फिंगर्स को घुमाओ, ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, क्लोज्ड लूप्स के लिए, किसी भी शेप की हो, क्लोज लूप्स के लिए फिंगर्स को ऐसे घुमा दो जैसे करंट चल रहा है, और देखो थंब किधर जा रहा है आपका, तो थंब आपका इस केस में इनवर्ड है, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो वो इनवर्ड आ रहा है, देखो फिंगर्स ऐसे घुमाओगे थंब इनवर्ड आएगा, तो आप ऐसे डायरेक्टली बता सकते हो। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर आज हमने सीखा, स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात करी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया, 4 मिनट रह गए हैं, ये देख लो इसकी भी निकाल लेते हैं, यहां हमारे पास एक पॉइंट है एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, एंड करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन,
एंड आई हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी केस है। देखो जी, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो एक्स होगा, ये डिस्टेंस जो होगा वो वाई होगा। ओके, इस एंड के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इस एंगल को फाइंड करेंगे और एक एंगल हमें इस तरफ चाहिए जिसको हम 90 मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ओ बी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ओ ए, है ना। ये नाम रख दिए मैंने कंडक्टर्स के, दोनों की ऐड होगी। देखो आप करके देखो, ऐड होगी कैसे पता लगेगा। रखो इस केस में थंब इस तरफ रखो और फिंगर्स देखो बाहर आ रही हैं, और इस केस में थंब नीचे की तरफ देखो तब भी फिंगर्स आपकी बाहर आ रही है। तो दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड ऐड होनी है, इसलिए मैंने प्लस साइन लगा दिया। अब मैं पहले ओ ए की बता दूं आपको कैसे लिखनी है। देखो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, ए की जगह ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो इस कंडक्टर के लिए वाई है, वाई। ठीक है, और साथ में आता है साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। चलो साइन फाई वन कितना, ये हमने लिख दिया फोर पाई वाई, साइन फाई वन ये मान लेते हैं फाई वन। फाई वन कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमें पता है साइड, ये वाली साइड एक्स के बराबर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, साइन फाई इज परपेंडिकुलर विच इज एक्स बाय हाइपोटेन्यूज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये साइन फाई वन हो गया, प्लस साइन फाई टू 90, उसका वन आ जाएगा, साइन 90 इज वन। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस ओ ए कंडक्टर। और दूसरे की अगर लिखूं ओ बी की लिख देते हैं, तो जस्ट अगर आप तुक्का भी लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, वाई की जगह एक्स कर दो, यही आंसर आएगा, यू कैन चेक, प्लस वन। जस्ट इन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल जाएगी। इसमें जो केस है हमारा वो है कि एक तरफ कंडक्टर की कुछ लेंथ है और दूसरी तरफ इनफाइनाइट है, तो उस हिसाब से एंगल मैंने आपको बताया आपने कैसे लिखने हैं। ठीक है, और दोनों को ऐड करके आपने आंसर लिख देना है, प्लस कर देना, और साथ में डायरेक्शन बतानी है तो डॉट लगा देना, इस केस में आउटवर्ड आ रही है।